नवू उठ के आ जा। हैं? बात नहीं करनी? आओगी के ना आवे? ऊपर इतने मोटे मोटे चूहे आओगे ना जब पता चल लगा तेने। हेलो जी, राम राम भाई, कैसे सारे? फिर से स्वागत है भाई ब्लॉग में। और भाई आज शिवरात्रि, सबको हैप्पी शिवरात्रि भाई। और ब्लॉग देखते देखते लाइक जरूर करियो भाई, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। टाइम बज गए हैं भाई 12, और व्रत नहीं रखा, तबीयत तो भी खराब रखा था, पर 2-3 घंटे में थोड़ी सी तबीयत तो भी डाउन हुई। सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब मेरी पहले प्लानिंग थी कि मैं व्रत रख लूँ, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भी पीसी की प्रॉब्लम हो गई हो। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो बना रही हूँ खाना। खाने में बन रहा है भाई कढ़ी चावल। पहले सर लाती हुई भिंडी ला रखी है, मैं पहले भिंडी बना लूँ। फिर ये बोले कि भाई कढ़ी और चावल बना ले, बोल तो रही थी पकौड़ी की भी मेरी, पर मगर मेरी तबीयत हो गई है ख़राब। और ऊपर से यार मैडम 2 बैठा लाई मैं इसने नीचे तो 2 बार, मेरा इतना सर वो कर दिया इसने, जो बस अब फट जाएगा। इतनी बुढ़ी चिल्ली मार मार रो है, हर बात मानती नहीं गई। दुकान पर छोड़ा हूँ तो उड़े भी नहीं डटती, लेकर चीज़ भाजा ले भाई, कम तक मात पौन घंटा तो बैठ जाए। अरे पड़ी पड़ी रोन ला गई, तो मगर रोए जा ऐसे भाई तो नहीं रो भाई। एक बार कड्डी और बोल लो, इतने चावल हो जाएंगे और फिर बनाऊंगी भाई। ना वो बना ले ठीक है, ना वो की मम्मी कौन है ठीक है, चुप हो जा मम्मी, तो मटकन पे ना वो नहीं है यहाँ। जो कौन है तेरे? मम्मी देख ले तड़किया तो इतनी परेशान कर रही है, इतना परेशान कर रही है। पापा बता आसी कुट्टा मैं ना बोलूं हट चल मैंने बोलूं समाचार देख लो इधर इधर देख ये बोल रहा है जय केजरीवाल भाई। अच्छा जी अच्छा, पापा ने न्यूज ना देख देती रोड़ा मचाए रहे है। नवो कुछ ना, तू खाना खा ले, ले भाई रात का खाना बन गया है, 8 बज गए। यहाँ हमारी चटनी, थोड़ी सी मिर्च, बाद में छोलू पीछे हो जा तू, एक बार चुप भी हो जाए अगर एक बात बोलकर। और भैया दी तभी बात हो गई है, शायद 12-1 बजे तक आओगे, चल तो रहे हैं, बात हो रही 7 बजे से जब भी थे। उधर है वो बाहर, वो भी अपना उनका खाना डाल कर रखा ही हूँ, अभी ले लेंगे अपना। क्या है भी तेरा सबर है कि ना किसी चीज का? सर मदद रखे भाई पूरा दिन, स्कूल में कट जाना वो ठीक से ज्यादा गति नहीं उठ से ना, दिन में सोई ना स्कूल के बहाने जल्दी उठ जाता, दिन में सो जा है तो आराम सा हो जाए बस, ना तो पूरी दोपहर की नून तनून खटपट 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 खटपट। चल अब खाना खा ले फटाफट चलो। लो भाई आज कोई व्लॉग शूट खास कुछ होया नहीं, क्योंकि तबीयत थी मेरी खराब, आज बस थोड़ा ठीक ठाक सी हुई है। 11:15 हो गए हैं, नौ यहाँ सो गए भाई, नौ सो गई थी, आज 1.5 घंटा हो गया कि दिन में ना सोई ना स्कूल ना गई। तो आज मेरी सुबह से भाई तबीयत थोड़ी खराब सी थी, इसलिए कुछ लोग नहीं बन पाया, एक आधी भी नहीं ना, तो थोड़ा बहुत वो भी करते हुई शूट। वैसे बात हुई थी उनसे 10 बजे के आसपास, बागपत थे वो, तो 1.25 घंटा हो गया है, वेट हो रहा है भाई उसका, इसलिए लाइट बंद नहीं करी है। मकाले आए जा आए जा, इधर ये भी आ गए पर लाइट बंद ना करी ना कुंदी लगाई। मैंने सोचो आए जर मैंने कौन थी फ़ोन कर लो, तो मैंने सोचो चल कोई ना आते होंगे कि फ़ोन कर रहा है, बार बार नू कह देंगे भाई फ़ोन कर रहे हैं। नीचे मेरे ख्याल तो मगर ने भी कर लिया, और मुझे नींद आ रही है बढ़िया वाली, दिन में तो मेरी मैडम सोन देती ना भाई, कुछ ना कुछ करे जा तो रिलैक्स वाली नींद नहीं आती, फिर यार ना सोती थे ना। वैसे कल भी वैसे सो रही थी जब बर्तन वाले आ गए थे, 10 मिनट हुई थी सोती ने, घट घट बजाने लग गई इतनी तेज तेज। और
मैं सोच रही हूँ कि आधी आ जाए उसके बाद ही सो, देखो कितनी देर में आओगे, ये उससे पहले ही चीत होएंगे। एक कौन है? मैं दिखा, ये वो दिखा, हरिद्वार सिक्के सैंडल ला के चला, कैसा है ट्रिप? मजे। अरे तू ये घड़ी कदम ले गया? तन्ने तन्ने में घुमा दे, हम सारे घुमाओ मना, तो हम सारे मने इतना आटी थी बेटा, और पानी पूरी मेरा बैग ना नीचे है, बड़े अम्मी के कपड़े बड़े अम्मी और सुबह ले जाइए अपना, इबे लेगा हां लड़ाएंगे, इबे लेगा कपड़े तो जा नहाए भी था तो लगता तो नहीं, दो ही दोते लगे बस छोटा ही तो बॉस कल ऋषिकेश में आए थे, हां ऋषिकेश में आए थे, हरिद्वार में रुके थे ना सीधर वो बैठे ऋषिकेश, अरे आते वक्त रुके थे क्या? नहीं सीधा, मतलब घूमने भी ना गए हरिद्वार? ना ना वो आते थे, क्यों ऋषिकेश में के करण लग गए तुम इतनी देर? ऋषिकेश में तो बीच था तो वाड़े बैठ के पूल वगैरह थे, वहां घूम लिए थोड़ा, होटल कौन से होटल में रुके जिसमें पिछली बार रुके थे ना, मुझे क्या लास्ट चांस मिले लास्ट नहीं टॉयलेट कर ले, दूध डालू, याद आई थी हमारी ईमानदारी बताइए, रंडी कम्मी औलाद मजा ना स्वाद बच्चों देख लो अपने बच्चों ने देख लो आप, एक ही सोवर लग रही है, मतलब ही नया दशम बड़ी आज प्यारी बेटी दया है, प्यारी बेटी दया है, सास ते जा के ले खा जी अगर अपना छप्पा से लेना है, हां दिन ना मैं 3 मास हो गए गाड़ी में, 6.5 घंटे हो गए हमने चलाए, फिर खाना किस टाइम खा गए हो? यार पास में ही खाया है कि कितने? मारे क्या था सिकंजी वाली पे? जैन सिकंजी। हाँ जैन सिकंजी। पे वो दौरी द्वार दौरे सी है। के खाना खाया था उड़ा? आप शाही पनीर वो है हमारी सजीवर सब। सुबह तेरे रोटी। घूम फिर कर में जी। रोटी फिर उड़े खाई थी और सुबह भी खाई थी। सुबह तो वो गीता भगवान की और सब्जी पूरी। हाँ और काल फेमस है सब्जी पूरी और गीता भगवान की। काल बड़ा वो वाले गए जिन्ना चढ़ गया उप साइड पूरी गंगा नदी और ऊपर बैठ के खाना खाने लग रहे। तेरे को हमारी याद नहीं आई? हमारी याद नहीं आई? ईमानदारी तो बता, थोड़ी बहुत आई थी। अब हम जा रहे हैं उदयपुर घूमने के लिए, अब तेरे पापा और मैं जा रहे हैं और तू रहेगा यही अपनी बड़ी मम्मी के पास। तू मौसी हर गदा अपनी बेबे लेकर तेरे पापा और मैं घूमने जा रहे हैं दोनों, ठीक है? अकेले 8-10 दिन में आओगे? पापा मेरी तटिया में सो जाओ पापा। ले भाई सुन लो, वेट हो रहा था आदि का, और तू क्यों बोल? चुप चुप। ले भाई कर दी लाइट बंद, मिलते हैं हम कल नए लोग के साथ, बाय।